सो ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई जर्नी में। आज की जर्नी में हम आ चुके हैं हिमाचल की वादियों में एक छोटे से रेलवे स्टेशन में जिसका नाम है अंब अंदौरा। यहाँ पे खड़ी है हमारी प्यारी सी वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमें सैर कराएगी अंब अंदौरा टू न्यू दिल्ली। ट्रेन को डिपार्ट होने में अभी 1 आवर का टाइम था और मैंने सोचा क्यों ना इस रेलवे स्टेशन और इस ट्रेन की खूबसूरती को अपने कैमरे में क्यों ना कैप्चर किया जाए। सो मैं लग पड़ा अपने कैमरे से इस खूबसूरत मोमेंट को कैप्चर करने में और उसके बाद मुझे इतनी अच्छी फोटोज कैप्चर करने को मिली जिसको देख के मन खुश हो गया। ऐसे ही समय बीतता गया और टाइम हो चुका था वंदे भारत एक्सप्रेस का अंब अंदौरा से डिपार्ट करने का। एग्जैक्ट 1 PM पे हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन्स के डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं और इसके बाद हम चल देते हैं अपनी कोच की तरफ जहां हमें देखने को मिलता है ये ऑटोमेटिक डोर और एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली टीवी स्क्रीन और ये आरामदायक सीट्स जो हमें पूरे सफ़र में अपना सौभाग्य देंगे। हमारी ट्रेन अभी जस्ट अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से निकली ही थी कि हमारी जो कैटरिंग स्टाफ है वो तैयारी करना शुरू कर देता है अपनी कैटरिंग देने के लिए बिकॉज ऊना में जो है हमारी कैटरिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर कुछ देर बाद ही हमारी ट्रेन पहुंच जाती है हमारी जर्नी के फर्स्ट स्टॉप में जो कि है ऊना हिमाचल। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होता है और इसके बाद ट्रेन डिपार्ट कर जाती है। नंगल डैम को क्रॉस करने के बाद अब हमारी ट्रेन बढ़ चुकी थी अपनी सेकंड स्टॉप की ओर और स्टेशन के आउटरिंग को ही देख के सामने पता लग रहा था कि अब हम पहुंचने वाले हैं अपने सेकंड स्टॉप में अनंतपुर साहिब और हमारी ट्रेन यहां पे 2 मिनट हॉल्ट करेगी और इसके बाद ये भी यहां से डिपार्ट कर देगी। ऐसे ही टाइम बीतता गया और स्टेशन्स को स्किप पे स्किप करते करते अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी हमारी जर्नी के 3rd स्टॉप पे जो कि है चंडीगढ़ जंक्शन। चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में हमारा स्टॉप 2 मिनट का होने के बजाय यहाँ पे 5 मिनट का होता है बिकॉज यहाँ पे हमारा कैटरिंग का सामान लोड किया जाता है। 5 मिनट्स के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से भी डिपार्ट हो चुकी होती है। Call me.
अराउंड 4:11 PM का टाइम हो रहा था और अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी अपने लास्ट हॉल्टिंग स्टेशन में अंबाला कैंट। इसके बाद ये ट्रेन सीधा अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगी जो कि है न्यू दिल्ली। अराउंड 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन अंबाला कैंट से भी डिपार्ट हो चुकी होती है। अब हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर के अंतिम चरण में थी। हरियाणा के कुछ स्टेशन जैसे कि सोनीपत और कुरुक्षेत्र स्टेशन्स को ये अपनी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्किप किए जा रही थी और मौसम ने भी करवट ले ली थी और इसी बीच हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और उसी बारिश में शामिल हो जाती है हमारे पैलर में हम सफर एक्सप्रेस। और फाइनली अब हमारी ट्रेन पहुंचने वाली होती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहां पे हमारा सफर हो जाता है ख़त्म। आई होप आप सभी को ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।